स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं फाइनली मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मंजरी जो है अब हर्षवर्धन से डिवोर्स लेने वाली है। तो लीजिए आज के एपिसोड में जो है कि हर्षवर्धन काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं अपनी बीवी मंजरी को एज यूजुअल। तो वहीं उनकी बातें सुनकर वो ये फैसला करती है कि अब वो किसी भी दबाव में नहीं रहेंगी और ना ही किसी की भी बातें सुनेंगी। तो लीजिए वहीं ले आती है वो एक गहनों का डब्बा जिसमें हर्षवर्धन ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के समय पर उन्हें मंजरी को अपने गहने दिए थे। लेकिन वहीं अब उस डब्बे में जो है कि वो डिवोर्स पेपर ले आई है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है जिसे देख कर अभिमन्यु और अक्षरा की आंखों में एक खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनकी मम्मी को इतना सैक्रिफाइस और सफ़र करता हुआ देख अभिमन्यु नहीं चाहते थे कि वो अपने पिता के साथ यानी कि उनके पति के साथ मंजरी की पति हर्ष के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। वो चाहते थे कि वो उनसे अलग हो जाए। तो वहीं इस फैसले को देख कर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो जो है कि अपने माँ को इस पर सपोर्ट करते हैं। वहीं अपने बेटे के कंधों पर पेपर रखकर वो साइन करती है और वो ये कहती हैं कि जब बेटे का कंधा मजबूत हो जाए तो माँ कोई भी फैसला ले सकती है। जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके बाद जो है हर्षवर्धन ने घर को छोड़ दिया है। लेकिन अब अभिमन्यु पर एक और नई मुसीबत और कहीं ना कहीं अक्षरा और अभिमन्यु की लाइफ में एक और बड़ी सी बात होने वाली है। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो अभिमन्यु ने जिस तरीके से अपने हाथ को यूज़ करके उस रॉड को, उस लकड़ी को, उस टेबल को प्रोटेक्ट किया था उनकी जान बचाने के लिए, वहीं वो गलती शायद कहीं ना कहीं अब भारी पड़ रही है क्योंकि उनके हाथ में एक बहुत ऐसा फ्रैक्चर हुआ है जिसके बाद शायद वो कभी भी सर्जरी ना कर पाए। यानी कि उनकी डॉक्टरी के करियर पे, लाइफ पे शायद फुल स्टॉप लग सकता है और इस बात को कहीं ना कहीं अक्षरा ने चोरी छिपे सुन लिया है। अब ये किस तरीके से सिचुएशन को डील करते हुए नज़र आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खुशी के साथ साथ कहीं कहीं काफ़ी सारी टेंशन भी है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल फीफा फूस टीवी को।